अब दोस्तों यहाँ पे कुछ टिप्स दे देते हैं यहाँ पे पटना यूनिवर्सिटी वाले को कि पीएचडी इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन के लिए कैसे कैसे क्या प्रिपरेशन है। पटना यूनिवर्सिटी से आगे यहाँ पे पीएचडी का इंटरव्यू दोस्तों यहाँ पर एग्जाम का पटना यूनिवर्सिटी पीएचडी एडमिशन का बहुत बड़े दोस्तों यहाँ पे इंटरव्यू कब होगा अभी दोस्तों आगे का क्या प्रोसेस है। आपने यहाँ पे पीएचडी का बात इंटरव्यू फॉर्म तो भर दिया दोस्तों, बात करें अभी भी यहाँ पर पटना यूनिवर्सिटी से बात करें यहाँ पर दोस्तों एक तरफ से ऑफिशियल फिलहाल तो अपडेट यहाँ पर नहीं आई है, पर दोस्तों यहाँ पर हमने अपनी बात करें दूतों से दोस्तों यहाँ पे पता किया है, सूत्रों से हमने पता किया है कि यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों पटना यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू यहाँ पर स्टार्ट हो गया है, जो कि इंटरव्यू दोस्तों कल से ही स्टार्ट है। अभी फिलहाल इसके रिगार्डिंग ऑनलाइन हम देखते हैं, चलते हैं आपके साथ इस वीडियो में आगे ऑनलाइन देख रहे हैं वेबसाइट पर, कोई सूचना आई ही नहीं, पर फिलहाल अपडेट आप ध्यान दीजिए यहाँ पर जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। फिलहाल इंटरव्यू दोस्तों स्टार्ट है पटना यूनिवर्सिटी में, तो इंटरव्यू यहाँ पर कल से स्टार्ट है। आप सभी आपको सभी को नहीं जाना है, जिनको दोस्तों मेल आएगा आपको एटलीस्ट अब पटना यूनिवर्सिटी क्या कर रहा है सभी को दोस्तों पीएचडी में जो भी यहाँ पे क्वालिफाइड जो भी यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट दोस्तों यहाँ पे कैंडिडेट्स हुए हैं, और शॉर्ट लिस्ट कैसे कर रहा है तो हमने बताया था, शॉर्ट लिस्ट आपको पीजी के मार्क्स के अकॉर्डिंग पैट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग ये सब के अकॉर्डिंग किया जा रहा है, ठीक है। तो शॉर्ट लिस्ट दोस्तों कैंडिडेट्स यहाँ पर वन बाय वन करके ठीक है दोस्तों यहाँ पर बुलाया जा रहा है, पटना यूनिवर्सिटी बुलाया जा रहा है, जिनको मेल दोस्तों आ रहा है, बहुत लोग को मेल आ गया है वो जा रहे हैं। फिर दोस्तों जाने के बाद बात कर देख पा रहे हो आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का दोस्तों वेरीफिकेशन यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है कॉल करने फिर भी अभी याद रखो यहाँ पर जिन्होंने 17 जुलाई तक का समय दिया गया था हार्ड कॉपी को जमा करने का पटना यूनिवर्सिटी के हेडक्वार्टर में, तो जो भी जमा दोस्तों कर दिए हैं वही यहाँ पर इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। जिन्होंने हार्ड कॉपी जमा नहीं कर पाया इस विद इन टाइम कुछ भी रीजन्स की वजह से तो वो दोस्तों पहले बाहर हो गए हैं, ठीक है। हो सकता है देखिए अगर सीटें खाली बच गई तो फिलहाल आगे कभी के लिए बने रही है क्या पटना से ऑफिशियल अपडेट आती है, बट फिलहाल दोस्तों अभी हम गुप्त सूत्रों से पता दोस्तों किए हैं यहाँ पर फिलहाल। तो अभी आप सभी को यहाँ पर जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स यहाँ पर उनको पटना सिटी मेल भेज रहा है चुपके चाप, ठीक है मेल भेजा जा रहा है दोस्तों, पता नहीं ऐसा क्यों कर रहा है, मेल भेजा जा रहा है तो उनको मेल भेजा जा रहा है, फिर उनको डेट दिया जा रहा है कि आप आइए आपका यहाँ पर इंटरव्यू है, इंटरव्यू लिया जा रहा है, फिर सिलेक्शन कर लिया जा रहा है। सिलेक्शन जब आपका हो जाता है तो उसका दोस्तों आपको इस प्रकार एक व्हाट्सएप ग्रुप दोस्तों क्रिएट कर दिया जा रहा है, पीएचडी देख पा रहे ग्रुप ये दोस्तों होम साइंस का जो होता है इसका है, इसमें ऐड आपको कर दिया जाएगा। इसी प्रकार आपको जो भी पीएचडी का जो भी सारे सब्जेक्ट है सभी का अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप दोस्तों क्रिएट कर दिया गया पटना यूनिवर्सिटी की तरफ से, आपका अच्छे से इंटरव्यू हो गया, इंटरव्यू तो बस थोड़ा लगता है इसी तरह है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात करें आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स थे यानी डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे वेरिफिकेशन के लिए, तो मैट्रिक किया पहले, फिर इंटर किए, फिर ग्रेजुएशन किए, अभी भी रुके नहीं है, फिर आप पीजी किए, फिर पीएचडी, ठीक है। तो पीजी तक आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है सारे डॉक्यूमेंट्स का फोटोकॉपी ओरिजिनल, और भी बात करें दोस्तों यहाँ पर सीएलसी माइग्रेशन, और भी आपका अगर मान लो एसएमटी का कैटेगरी से बिलोंग करते हो दोस्तों उसका सर्टिफिकेट लगा देंगे, और पीएचडी पैट को जब एग्ज़ाम दिए थे पैट का सर्टिफिकेट पैट का मार्कशीट और एडमिशन फॉर्म भरे थे ये, तो जितने दोस्तों डॉक्यूमेंट्स सभी डॉक्यूमेंट्स पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ आधार कार्ड पैन कार्ड दोस्तों ये सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रख लेंगे, सभी का फोटोकॉपी और सभी को ओरिजिनल ले जाकर आपको वहाँ पर दोस्तों वेरिफिकेशन करा लेनी है। वेरिफिकेशन तो हो जाएगा तब एडमिशन यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा, वेरिफिकेशन कर दिया जाएगा पटना यूनिवर्सिटी के तरफ से। तो जुदी तो जी दोस्तों यहाँ पे पटना यूनिवर्सिटी ने पीएचडी बात करें इंटरव्यू के दोस्तों यहाँ पर डेट दोस्तों आ गई इंटरव्यू यहाँ दोस्तों, ये हमें जो गुप्त सूत्रों से सूचना मिली है इंटरव्यू को लेकर कि पीएचडी पैट इंटरव्यू कल से स्टार्ट है। एक बार पटना यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर आप सभी के साथ चलते हैं लाइव और चेक करते हैं कि क्या कोई अपडेट आई है यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफिशियली या नहीं। तो हम पटना यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं pup.ac.in। तो जी दोस्तों बात करें यहाँ पर नोटिस देख पर दोस्तों यहाँ पर आ गई बात करें इंटरव्यू की, ये बिल्कुल सही सूचना है इंटरव्यू की आ गई है एडमिशन की पीएचडी में बात करें डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी के लिए। तो जो दोस्तों इंटरव्यू शुरू हो गया देख पा रहे हो हमारे हमें जो यहाँ पे हमें गुप्त सूत्रों से जो सूचना मिली थी वो सूचना बिल्कुल सही निकली, इंटरव्यू के शेड्यूल आ गई है पटना यूनिवर्सिटी पीएचडी के लिए। तो ये दोस्तों देखते हैं यहाँ पर चेक करते हैं क्या आई है, कब से स्टार्ट है, डेट क्या है। तो वन दोस्तों देखिए पटना यूनिवर्सिटी से आगे यहाँ पे पीएचडी का इंटरव्यू दोस्तों यहाँ पर एग्जाम का शेड्यूल डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी पटना की तरफ से, इंटरव्यू दो एप्लीकेट्स का होगा एडमिशन के लिए पीएचडी जूलॉजी में पटना यूनिवर्सिटी में कंडक्ट होगा 25 जुलाई जिस तो डेट आ गई 25 जुलाई से आप सभी का इंटरव्यू स्टार्ट है 25 जुलाई से, और 26 जुलाई को होगा टाइम 11 बजे कहाँ होगा तो डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी हेड चैम्बर, आपका जो भी डिपार्टमेंट उस डिपार्टमेंट में ही होगा। कैंडिडेट्स में अपेयर आपको अपेयर होने हैं दोस्तों यहाँ पे इंटरव्यू के लिए 25 जुलाई को देखो यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी जिनका भी है ये यहाँ से लेके यहाँ तक, और 26 जुलाई को तो यहाँ पे देखो एप्लीकेशन आईडी नंबर जो आपको मिला है ना उसके अकॉर्डिंग कराया जा रहा है। तो 26 जुलाई को आपको जो एप्लीकेशन आईडी ये था इससे यहाँ तक एप्लीकेशन आईडी कहाँ देखोगे जो आपने फॉर्म अप्लाई किया था पटना यूनिवर्सिटी का पीएचडी का उस एप्लीकेशन आपने जब भरा था उसमें फॉर्म नंबर आपको एप्लीकेशन नंबर आपको आईडी मिला होगा लॉगिन जब कर गए थे पटना यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर वो तो आपका एप्लीकेशन आईडी हुआ। तो जो भी सारे एप्लीकेंट्स हैं यहाँ पर उनको डायरेक्ट किया जाता है कि वो और जो डॉक्यूमेंट्स भी लेकर आएंगे जैसे कि मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट्स मैट्रिक का बात करें यहाँ पर ग्रेजुएशन का देख पर इंटर का और पैट जो भी आपने दिया था मार्कशीट्स सर्टिफिकेट्स तो नहीं लिया है तो वहाँ से ले लेना, और नेट जैसे जो क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स उनका सर्टिफिकेट कास्ट तो कास्ट सर्टिफिकेट और पासपोर्ट साइज 4 फोटोग्राफ रख लेना।
और EWS है तो EWS अपना डॉक्यूमेंट प्रूफ ले आएंगे और वन सिर्फ फोटो कापी सभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जाना है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे यहाँ पर बात करें इंटरव्यू के दौरान। तो फिलहाल तो देख पा रहे अभी भी नोटिफिकेशन आई है यहाँ पर देख पा रहे हो ये जूलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ पटना यूनिवर्सिटी पटना जाना कहा है तो पटना यूनिवर्सिटी दोस्तों जाना है आपको यहाँ पर पटना यूनिवर्सिटी जाइएगा वहाँ पर दोस्तों जूलॉजी डिपार्टमेंट है वहीं पर आपका इंटरव्यू स्टार्ट है। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ टिप्स दे देते हैं यहाँ पे पटना यूनिवर्सिटी वाले को कि PhD इंटरव्यू के लिए आप प्रिपरेशन के लिए कैसे कैसे क्या प्रिपरेशन। दोस्तों बात करते हैं पटना यूनिवर्सिटी में PhD इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने के लिए आपको यहाँ पर कुछ टिप्स सजेशन मैं दे रहा हूँ दोस्तों उसको आपको बस यहाँ पे फॉलो करना है। सबसे पहला दोस्तों यहाँ पे टिप्स ले लीजिए कि रिसर्च आपको जो भी दोस्तों सब्जेक्ट यहाँ पर उस जो भी रिसर्च करना चाहते हैं ठीक है पहले से अच्छे से अपने सब्जेक्ट या रिसर्च एरिया को आप समझ लें अच्छे से अपना प्रपोजल रिसर्च टॉपिक के अराउंड सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें और करेंट रिसर्च ट्रेंड्स पर आपको ध्यान देना है। दूसरी आपको यहाँ पर ध्यान देना है दोस्तों स्टडी योर मास्टर्स थीसिस और रिसर्च। इसका मतलब अगर आपने मास्टर्स लेवल पर रिसर्च की है तो अपने थीसिस या रिसर्च वर्क को रिवाइज करें और आपके प्रीवियस वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं वो ध्यान देना ठीक है। जो भी आपने थीसिस अगर किया है पढ़ा है अध्ययन किया है रिसर्च किया है और रिलेवेंट लिटरेचर यानी अपने प्रपोज्ड रिसर्च टॉपिक या सब्जेक्ट से रिलेटेड रिसेंट रिसर्च पेपर्स आर्टिकल्स और बुक्स पढ़े हैं इससे आपका नॉलेज बेस स्ट्रांग होगा और आप इंटरव्यू में कॉन्फिडेंटली आंसर दे सकते हैं। चौथा पॉइंट दोस्तों ध्यान रखेंगे बी प्रिपेयर फॉर जनरल क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर रही पी जनरल क्वेश्चन पूछा सकता है। PhD इंटरव्यू में आपके एकेडमिक बैकग्राउंड देखा जाएगा प्रीवियस स्टडीज़ आपने कहाँ से किया है दोस्तों किस कोर्स जो भी कोर्स आपने लिया है और रिसर्च इंटरेस्ट आपका पूछा देखा जाएगा से रिलेटेड यहाँ पे जनरल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपने एजुकेशन जर्नी को समराइज़ करने के लिए तैयारी करिए ठीक है अपने एजुकेशन जर्नी को आप समराइज़ कर लोगे अच्छे से बताओगे पूछा जाएगा। मान लीजिए अगर आपने मान लो PhD कर रहे हो मान लीजिए सोशोलॉजी से और PG क्या था मैथ्स होता ऐसा क्यों भाई क्यों चेंज कर लिए ठीक है कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाता है रेडी रहना। और 5 पॉइंट है प्रैक्टिस मॉक इंटरव्यू आपको मॉक इंटरव्यू तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है अपने फ्रेंड्स फैमिली या सीनियर से मॉक इंटरव्यूज आपको अरेंज करें इससे आपको इंटरव्यू एक्सपीरियंस मिलेगा और आप अपने वीकनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि हमको प्रैक्टिस करवाए इंटरव्यू मॉक का दोस्तों कमेंट कर देना अगले वीडियो आपको प्रैक्टिस करवाएंगे मॉक इंटरव्यू का खुद इस यूट्यूब चैनल से कमेंट जरूर कर देना। फैमिलियराइज विद द यूनिवर्सिटी पटना यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर विजिट करें और यूनिवर्सिटी के PhD एडमिशन प्रोसेस और गाइडलाइंस को अच्छे से समझ लें। हालांकि हमने वीडियो देखा आपका तो आप समझ ही गए होंगे और इंटरव्यू फॉर्मेट और सिलेबस के बारे में आपको पता करना है। अब दोस्तों आगे यहाँ पे ध्यान दीजिए अंडरस्टैंड रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें आपके प्रपोज रिसर्च टॉपिक के लिए कौन सी रिसर्च टेक्निक्स यूज़ करनी है इस पर विचार करें। 8वां पॉइंट है दोस्तों कि स्टे अपडेटेड विथ करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स पूछा जाएगा करंट अफेयर्स हमेशा पढ़ते रहें अगर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी करंट अफेयर्स या डेवलपमेंट्स हैं तो उनके बारे में भी अवेयर रहें इंटरव्यू में ऐसा पूछा जा सकता है। 9वां दोस्तों पॉइंट है आस्क क्वेश्चंस। इंटरव्यूअर्स आपके लिए क्वेश्चंस पूछेंगे लेकिन आप भी उनसे अपने रिसर्च टॉपिक के यूनिवर्सिटी के एकेडमिक एनवायरनमेंट से रिलेटेड सवाल भी कर सकते हैं। देखो इंटरव्यूअर्स आपसे पूछेंगे क्वेश्चन पर इंटरव्यू आप भी क्वेश्चंस उनसे पूछ सकते हैं अपने रिसर्च टॉपिक के यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ठीक है एकेडमिक एनवायरनमेंट से रिलेटेड सवाल कर सकते हैं। इससे आपका इंटरेस्ट और एंथुसियाज्म दिखाई देगा कि आपको और उत्सुकता है आप जानना चाह रहे हैं। 10वां बी कॉन्फिडेंट एंड काम। कॉन्फिडेंट रहिए बी डोंट बी नर्वस। नर्वस आपको नहीं रहना है कॉन्फिडेंट रहिए बहुत अच्छे से ओवर कॉन्फिडेंट मत रहिए बस कॉन्फिडेंट रहिए और काम एकदम शांत रहिए स्वभाव से। इंटरव्यू के दिन अपने आप पर पूरा भरोसा रखें और कॉन्फिडेंट रहने की प्रयास करें काम रहने की कोशिश करें जिससे आप अपने आंसर्स को क्लियरली और इफेक्टिवली प्रेजेंट कर सकते हैं। और लास्ट दोस्तों याद रहे PhD इंटरव्यू एकेडमिक ग्रोथ और पोटेंशियल के बारे में इवेल्यूट करने का एक इंपॉर्टेंट स्टेप है इसलिए अपने रिसर्च एरिया में कॉन्फिडेंटली और डिलीजेंटली प्रिपेयर करें। बाकी सब के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक आपके इंटरव्यू के लिए। दोस्तों ये थी बात करें पटना यूनिवर्सिटी की तरफ से हमने दे दिया आपको PhD इंटरव्यू के बहुत अपडेट। हमने कुछ इंटरव्यू के दोस्तों आपको टिप्स भी दे दी मुझे बताना कमेंट से आपको टिप्स कैसी लगी पसंद आई तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक जय हिंद वंदे मातरम।